हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एवीजे क्रिएटिव। जैसे कि आज है लेसन नंबर 6 और आज का टॉपिक होगा डूइंग द कलर करेक्शंस ऑन योर वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम करेंगे अपने वीडियोस को इंपोर्ट, जिस पे हमको कलर करेक्शंस करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे मेरे दोनों वीडियोस। तो पहले मैं लेता हूँ ये वाला वीडियो, और इस वीडियो पे क्या करूँगा मैं, इसका दो कॉपीज रखता हूँ, जिससे आपको सामने सामने ये पता लग जाए कि पुराना वाला कैसा है और मैंने जब वीडियो इफ़ करेक्शन कर दिया उस फाइल के ऊपर तो नया वीडियो कैसा है। तो ये देखिए, एक वीडियो ये, एक वीडियो ये, सेम वीडियोज़ हैं दोनों भी, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं दोनों वीडियो के अंदर। अब इसका टेक्स्चर देख लीजिए, कलर करेक्शन करना है तो मेन हमारा कलर टेक्स्चर मायने रखता है। तो आप इसका लुक देख लीजिए कैसा है इस वाले वीडियो का। देखिए दोस्तों, तो इसका आपको कलर टेक्स्चर दिख ही रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा इफेक्ट पे। ठीक है, इफेक्ट पे जाके यहाँ पे चेक करूँगा मैं सैचुरेशन। तो ये रहा हमारा कलर सैचुरेशन। मैं इसको ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूंगा अपनी उस फाइल के ऊपर जहाँ पे मुझे डालना है। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, आपने देखा होगा यहाँ पे एस करके ऑप्शन आ गया, एस स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लिप पे जाऊँगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज खोलने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्क्रीन आ गया है, सैचुरेशन ब्लू ग्रीन और रेड। अब देखिए ये, अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो क्या इफेक्ट हो रहा है मेरी वीडियो के ऊपर है। मेरे को प्ले हेड को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा उस वीडियो पे जहाँ पे मैं इफेक्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आ गया, ये देखिए आपको अगर दिख रहा हो तो। अब इसको प्ले करके देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। अब मेरे पास दो क्लिप्स थी ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं उसको वहाँ तक ले जाऊँगा जब मुझे लगे कि हाँ अब मुझे कितना करेक्शन करना है। मैंने पैरामीटर्स चेंज किए, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को मैंने चेंज नहीं किया है। अब ये परफेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा एक सनसेट का प्रॉपर फील दे रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा पुराना वाला वीडियो और ये मेरा दूसरा वीडियो। तो ये देखिए, मेरा जो टेक्स्चर डालना था वो इस पर आ चुका है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से हम कलर करेक्शंस कर सकते हैं। आपको और एक वीडियो पर मैं दिखाता हूँ समझ में, सिर्फ एक डेमो के लिए और एक दूसरे वीडियो पर जाएंगे, ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको लिया मैंने नीचे। ठीक है, ये आ गया मेरा वीडियो, इसको ऐसे कर देते हैं। सिमिलरली ये वीडियो मैंने वापस से दूसरा कॉपी लिया और डाल दिया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये अभी दो वीडियो हो गए। अब ये देखिए, ये मेरा वीडियो चल रहा है, आपको दिख रहे हैं इस पे कलर्स। कलर्स के ऑलरेडी अच्छे, लेकिन और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप सैचुरेशन इफेक्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, अब डालेंगे इस पे सैचुरेशन। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट, इफेक्ट पर सैचुरेशन, आगे वाले वीडियो पर डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इस पर क्लिक करूँगा, मेरी खुल गई प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे मैं कौन सा इफेक्ट जाऊँ, जैसे ग्रीन कलर यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सैचुरेशन में ग्रीन बढ़ जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। ठीक है, और फिर ग्रीन कलर को बढ़ाऊँगा। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे आप अपने इमेजेस को और बढ़िया और बेहतरीन बना पाओ, ये आपके हाथ में डिपेंड करता है। ये देखिए, आपको जो टेक्स्चर अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वन हो गया डिफ़ॉल्ट। अब देखते हैं, ये देखिए, ये मेरी पुरानी वाली, वो खाली अब कलर्स पे गौर करिएगा, ये मेरी पुरानी वाली और अब ये मेरी नई वाली। ठीक है, नए वाले के कलर्स देखिए, ये देखिए। तो मेरे जो इमेज के कलर्स थे, अगर आप देखोगे सेम पोर्शन पे वीडियो के, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे देखिए और यही कलर यहाँ पे देखिए। तो मैं इसको रिसाइज करके ले लेते हैं, तो अपने को ज़्यादा नज़दीक नज़दीक रहेगा तो बेटर रहेगा देखने के लिए, कंपैरिजन के लिए। ये देखिए, ये पुराना कलर और ये नया कलर। तो इस तरीके से एक माइनर कलर करेक्शन किया जाता है। आप ये ट्राई करिए और अपने वीडियोस में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। साइनिंग आउट, एबीजे क्रिएटिव।